जीवन में थोड़ा आश्चर्य भाव लाओ। अभी तुम आश्चर्य भाव से अलग हो गए हो, तुम ऐसे बैठते हो जैसे सब कुछ जाना पहचाना है। तुम्हारी आंखों में आश्चर्य विदा हो गया है और ऊर्जा का ये सबसे बड़ा संकट है कि आश्चर्य विदा हो जाए। तुम ऐसी बुझी हुई निगाह से देखते हो जिसमें कोई आश्चर्य भाव नहीं होता। थोड़ा आंखों में चमक लाए, लाए मतलब एक्टिंग नहीं कह रहा हूं, उसे अनुभव करें, महसूस करें, थोड़ा आश्चर्यचकित हो। इस जीवन सचमुच में आश्चर्य से भरा है। हम हैं, ये बात है, ये सिलसिला है, हम बैठे हैं, हर बात आश्चर्य से भरी है। और जब तुम आश्चर्य को एक बार अनुभव करते हो तब महसूस करने की क्षमता बढ़ जाती है और ऊर्जा के गहरे तल तुम्हें अनुभव में आने लगते हैं। विस्मय इस शब्द को ख्याल में रखें और अपने जीवन से सारे भय निकालकर फेंक दें। ऊर्जा का उठना भी कई बार तुम्हें भयभीत कर देता है, इसीलिए जीवन के सुंदरतम अनुभव ऐसे होते हैं जिनकी तुम अपेक्षा तो बहुत करते हो लेकिन जब वो घटने लगते हैं तुम घबरा जाते हो, तुम कहते हो बस अब और नहीं। जीवन का हर सुंदर अनुभव ओवरफ्लो ऑफ एनर्जी है, ओवरफ्लोइंग एनर्जी है। चाहे कोई सुंदर घटना हो, चाहे किसी सुंदर चेहरे का दर्शन हो, चाहे प्रकृति की सुंदरता के निकट आना हो, हर ओर ऊर्जा का अतिरेक है और ऊर्जा का अतिरेक कई बार घबरा देने वाला हो जाता है, तुम्हें भयभीत कर देता है। तो इस भय से नए ढंग से संबंधित हो। एक भय है जो तुम्हारे शरीर की कोशिकाओं में आ गया है, तुम्हारे बॉडी माइंड ऑर्गेनिज्म में रिकॉर्ड हो चुका है, कई कई जन्मों से रिकॉर्ड है। तुम बेवजह न जाने कितनी बातों से भयभीत होते हो, तो बस उसे देखो, वो है और उसे वहां रहने दो, तुम उससे थोड़ा पीछे हट जाओ। जब आध्यात्मिक यात्रा में तुम काम करोगे तब एक और भय पर काम करना होगा जो नॉर्मल बॉडी माइंड ऑर्गेनिज्म फियर है, उसके अलावा एक और हिडन फियर है, जीवन के रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट हो इस बात से घबराहट। जैसे तुम अपने साथ नहीं बैठना चाहते कभी, तुम अनऑक्युपाइड होकर थोड़ी देर रहना नहीं चाहते, तुम्हें लगता है कुछ ना कुछ करते रहो, ऑक्युपाइड रहो, क्योंकि अपने से डर लगता है, अकेले बैठेंगे अपने आप का सामना करेंगे, पता नहीं क्या हो जाए, क्या छुपा पड़ा है अंदर, तुम देखना नहीं चाहते। एक ये भय, साधक अपने साथ बैठता है अपने एकांत में और पहले तल पर भय का सामना करता है और दूसरे तल पर देखता है कि वही भय जो भय की तरह से जान पड़ता था सचमुच में आनंद का एक प्रवाह है, ओवरफ्लो ऑफ ब्लिस है। तुम कई बार इसीलिए बहुत सुंदर घटनाओं से दूर भाग जाते हो। तुम्हारे जीवन में बहुत प्रेम घट रहा हो तो तुम उससे दूर भाग जाते हो, कभी तुम्हारा किसी संबुद्ध सद्गुरु से सामना हो जाए तुम उससे भी दूर भाग जाते हो, या कम से कम भागने का मन करता है क्योंकि घबराहट पकड़ती है, तुम्हें लगता है कि अब कुछ बदल रहा है। ये बदलाहट आती है ऊर्जा के प्रवाह में, ये एक आवश्यक जानकारी है जिसे अपने अंदर रिकॉर्ड कर लें। पुरानी चीजें रिकॉर्ड है, अब ये नई चीज रिकॉर्ड कर लें। आने दें उस भय को, वो भय आ रहा है क्योंकि कुछ पुराना अब जाएगा और कुछ नया आएगा।
ऊर्जा जागेगी, जैसे कुंडलिनी जागरण की घटना है तो वो जब घटती है तो बड़ा भय पकड़ता है, क्योंकि अब तुम वैसे नहीं रहोगे। जैसे ध्यान घटे तो तुम अब वैसे नहीं रहोगे जैसे थे, जाना पहचाना जाएगा, कुछ नया आएगा, कुछ इटर्नल सनातन चिरंतन प्रवेश करेगा, और जाने पहचाने को तुम पकड़ के रखना चाहते हो। तो ऊर्जा की यात्रा में यह एक आवश्यक बिंदु है कि तुम पुराने के प्रति प्रतिक्षण मरना सीखो। मरने का तात्पर्य है उससे विड्रा करो, जो क्षण गया गया, उसकी स्मृति में अब अटके मत रहो, जो क्षण है उसमें डूब जाओ, पूरी तरह से उस क्षण में डूब कर उसका आनंद लो। जीवन को अतीत से संचालित होने के बजाय उसे इस क्षण से संचालित होने दो, और ये दोनों बातें साइमल्टेनियस घटती हैं कई बार, ऊर्जा का जागरण और क्षण का अनुभव, या क्षण का अनुभव हो तो ऊर्जा का जागरण हो जाता है। अतीतोन्मुख न रहे, और कई सारे धार्मिक लोग अतीतोन्मुख बहुत होते हैं। हमारी परंपराएं, हमारी विरासत, हमारा धर्म, क्या करना है उसका, जिसे तुम जानते नहीं, जो तुम्हारा अनुभव नहीं, जो तुम्हारी अपनी संपदा नहीं बना, वो बोझ के सिवा और कुछ भी नहीं है, उसे जाने देना है। अगर तुम बहुत अतीत में अटके रहते हो तो तुम मम्मी की तरह हो जाते हो, एक संरक्षित शव। बहुत सारे लोग केवल मम्मीफाइड हैं, उनकी बातें, उनका पूरा जीवन अतीत है और कुछ भी नहीं। अतीत अच्छा रहा हो या बुरा, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कह रहा बुरे अतीत को छोड़े, सुंदर अतीत उससे भी क्षण में आए। ये जो घटना अभी प्रतीक की सुनाई मैंने, वो भी क्षण में आने की घटना है, कि जो बनाया था तिनका तिनका इकट्ठा करके उसको एक क्षण में हटा दिया और कुछ नए का समावेश कर दिया, तभी भीतर यात्रा प्रारंभ होती है, तभी उस ऊर्जा के कुंड का अनुभव होता है, अन्यथा सारी ऊर्जाएं सीमित हैं। तुम अपने अनुभव, अपने ज्ञान और अपनी धारणा के साथ धीरे धीरे क्षीण होते जाते हो, और एक दिन जीवन ऊर्जा बिल्कुल मध्यम पड़ती है और जीवन ज्योति समाप्त हो जाती। ऐसा नहीं होना है, ऐसा तब नहीं होगा जब तुम अभी यहीं अपने भीतर मुड़कर उस ऊर्जा के प्रवाह को फिर से सक्रिय कर लोगे और आइसबर्ग के अंदर छुपे बाकी 9 हिस्से भी उद्घाटित कर लोगे, प्रकट कर लोगे, तब पूरा का पूरा आइसबर्ग तुम्हारा होगा। सोचो क्या नहीं बदल जाएगा, लेकिन इस बदलाहट से भी कितना भय पकड़ता है। जैसे तुम्हें अचानक वो मिल जाए जिसकी तुम आकांक्षा करते थे तो तुम शायद भाग खड़े हो। इसीलिए बहुत सारे लोग केवल आकांक्षा करते हैं और अंदर अंदर ये भाव भी रखते हैं, नहीं ये मिले ना, क्योंकि अगर ये मिल गया तो फिर क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मुश्किल आ जाएगी। फिर तुम सोचते थे ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, हो गया। जैसे कोई किसी के प्रेम में पड़ जाता है तो मिलने की बड़ी आकांक्षा रखता है, तो सफल प्रेम कहानियां वही होती हैं जिनमें लोग कभी मिलते नहीं, वो सबसे सफल सक्सेसफुल लव स्टोरीज है। जिनमें मिल लेते हैं तो अचानक इतना चौंक जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं कि कुछ संभाले संभलता नहीं, अब क्या करें। सोचते थे एक दिन मिलेंगे मिलेंगे, जीवन का लक्ष्य बनाया था, अब मिल गए, अब क्या करें। कुछ जानबूझ नहीं पड़ता, फिर तुम कुछ भी शुरू कर देते हो, कहीं से भी शुरू हो जाते हो तुम। इसे लोगों की बातें सुनो, बातें बड़ी हैरान करने वाली होती हैं। बरसों इंतजार कर रहे हैं कि आना है, मिलना है, तैयारी चल रही, और घर में आते ही वही पुराना अखबार,
जो अभी सुबह वो भी प्लेन में ट्रेन में पढ़ता हुआ आया है, जिसको तुम भी पढ़ रहे थे, वही हेडलाइन से तुम भी शुरू करते हो कि देखा ऐसा हो गया आज, वो भी कहता हाँ तुम्हारी अपनी कोई बात नहीं है, क्योंकि जीवन में जो नयापन है उसका स्वागत नहीं है, जिसकी तुम प्रतीक्षा करते हो उसको संभालना पड़ता है। ध्यान घटे तो ध्यान के घटना को संभालने की पहले क्षमता और व्यवस्था बनानी पड़ती है, साधना उसी प्रक्रिया का नाम है। इसीलिए ध्यान नहीं घटता, लोग कहते हैं मैं बैठ रहा हूं बरसों से ध्यान नहीं घटता, क्यों नहीं घटता? इसीलिए नहीं घटता क्योंकि तुम तैयार ही नहीं हो कि ध्यान घट जाएगा तो तुम क्या करोगे, तुम इसी प्रतीक्षा में जीवन गुजार सकते हो कि घटेगा एक दिन घटेगी समाधि, एक दिन घटेगा बुद्धत्व, किसी दिन पूरा जीवन गुजर जाएगा, फिर आंखें बंद हो जाएंगी, फिर नई यात्रा में ना तुमको ख्याल रहेगा ना किसी को ख्याल रहेगा, फिर तुम नए ढंग से टटोलना प्रारंभ करोगे। रविन्द्रनाथ का एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है, बड़ा अच्छा गीत है, मुझे भी बड़ा प्रिय है। रविन्द्रनाथ लिखते हैं कि ऐसे ही भावदशा से गुजरे होंगे कि परमात्मा को खोजने निकले हैं, यहां वहां ढूंढते टटोलते पूछते पाछते कि परमात्मा का घर कहीं मिल जाए, और सौभाग्य की उन्हें घर का पता मिल जाता है, कुछ मार्गदर्शक मिल जाते हैं जो बता देते हैं ये परमात्मा का घर है। रविन्द्रनाथ लिखते हैं कि मैं दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचता हूं, सुंदर भवन है, द्वार पर खड़ा होता हूं, द्वार पर खड़े होकर पूरी प्रतीति हो जाती है कि अंदर है वही जिसकी खोज में मैं पूरे जीवन से भटक रहा था। हाथ ऊपर उठाते हैं कि साकल खटखटा दूं, फिर सोचते हैं अगर वो आ गया मिल गए तो क्या करेंगे। उसकी खोज में इतना आनंद है कि उस आनंद को गंवाना नहीं है, और रविन्द्रनाथ कहते हैं मैं पीछे पलटता हूं, दबे पांव वापस लौटता हूं, और अब मैं उसको फिर ढूंढते घूम रहा हूं, जानता हूं कि घर कहाँ है, पता है उसका द्वार, लेकिन मुझे खटखटाना नहीं है, मैं तो खोज में ही बड़ा प्रसन्न हूं। यही बहुत सारे आध्यात्मिक लोगों की भावदशा है, हालांकि उन्हें द्वार नहीं मिलता लेकिन अंतरतम में द्वार मिला हुआ है, ये प्रतीति सबको है, कोई ऐसा अज्ञानी नहीं है कि कभी ज्ञानी होगा, सभी उतने ही संबुद्ध हैं जितना कोई भी संबुद्ध मित्र, बस एक क्षण उसकी पहचान आ जाती, तो वो पहचान सबके प्राणों में सोई है, इसीलिए वो घर तो कहीं ना कहीं सभी को पता है कहाँ है, बस साकल नहीं खटखटानी है, वो मिल गया तो क्या करेंगे। तुम संबुद्ध हो जाओगे तो क्या करोगे, इसीलिए यहां आ रहे हो बुद्धत्व घट जाए बुद्धत्व घट जाए, बुद्धत्व घट गया फिर क्या करोगे। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद ये वाली जगह खाली हो जाएगी तो यहां आके बोलना शुरू कर देंगे, हाँ या नई जगह बनाएंगे, और अगर नई जगह नहीं मिली सोचते हैं फिर संबुद्ध हो गए फिर ज्ञानी हो गए फिर आके क्या करेंगे। तो जब तक घटे ना तब तक तुम्हें पता नहीं। तो जीवन में जो भी सुंदर है रहस्यमय है ऊर्जावान है चमत्कारिक है वो घबराता है, उस घबराहट से अपने आप को परे करेंगे, यही तर्क से अतर्क में प्रवेश की यात्रा है, यही उस शिशु की गर्दन का कटना है और नई गर्दन का आना है, अपने कंधों पर नई महसूस करने की क्षमता लाएं, नए ढंग लाएं, और फिर जीवन में बहुत चमत्कार घटेंगे। और अगर घबराहट होती है तो घबरा जाएं, कांपें, कंपित हों, ट्रेम्बलिंग होने दें, लेकिन बने रहें अपनी जगह पर, और उसी कंपन में ही कुछ घट जाएगा, उस भय के बीच ही आनंद की कोई धारा फूट जाएगी, जैसे काले बादलों के बीच
कोई चमकती हुई बिजली कौंध जाती, बादलों की गड़गड़ाहट से जो डर जाता है वो बिजली की उस चमक को भी कहाँ देख पाता। और कुछ लोग हैं जो उस बिजली की चमक से भी इतना घबराते हैं कि दरवाजे बंद करके बैठते हैं। कभी खुले आसमान में, खुले आसमान का तात्पर्य जब बादल घिराए हों, बिजली चमक रही हो, तुम अपने द्वार खोलकर उस बिजली को देखो, वो कितनी सुंदर है। तुम डरते हो कहीं तुम्हारे ऊपर न गिर जाए, हो सकता है गिर जाए, गिर जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम हैं, उसके संभावना बहुत कम है, लेकिन तुम उसके सौंदर्य को तो देख पाओगे। सौंदर्य को देखने के लिए भी साहस चाहिए होता है। तुम सौंदर्य को देखना तो चाहते हो, लेकिन अगर सौंदर्य सचमुच में निकट आ जाता है तो तुम आंख बंद कर लेते हो। इसीलिए जब कोई बहुत सुंदर व्यक्ति के नजदीक भी आ जाता है तो उसकी सेंसिटिविटी डल हो जाती, वो उसको उतना नहीं देख पाता। इसीलिए दूसरे लोग उस सुंदरता को बहुत अनुभव कर पाते हैं। तुम्हारे घर में कोई बहुत सुंदर व्यक्ति हो, कोई ध्यान नहीं देगा उस पर। तुम उस गैर मामूली व्यक्ति को इतना मामूली बना दोगे कि वो खुद भी भ्रमित हो जाएगा, लेकिन दूसरे लोगों को बड़ा सुंदर जान पड़ेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? वो चेहरे जो तुम्हारे निकट रहते हैं उतने सुंदर नहीं जान पड़ते, जो दूर होते हैं ज्यादा सुंदर जान पड़ते हैं, क्योंकि सुंदरता वही होती है नजदीक आते आते तुम्हारी महसूस करने की क्षमता मंद पड़ जाती है, उसको सक्रिय करना होता है। सक्रिय करने के लिए इस भय से गुजरना होता है, ऊर्जा की इस यात्रा में इस भय से तुम्हें आमना सामना करना है, उससे आंखें मिलानी है, उससे भागना नहीं है। भय है तो है, उसे रहने दो। ये मत आकांक्षा करो कि भय मिट जाए, भय के साथ खड़े हो जाओ और कंपित हो। तुम देखोगे कंपते कंपते अचानक कंपन चले गए हैं और भय भी चला गया है और भीतर से कोई नई धारा प्रवेश कर गई। यही ढंग है और कोई ढंग नहीं। किसी भी चीज का भय हो उसका सामना करें, उससे आंखें मिलाएं और वो भय समाप्त हो जाएगा। भय से बचकर कभी भय समाप्त नहीं होता, और हर भय के पीछे कुछ रहस्यमय छुपा है, कुछ सुंदर छुपा है। जैसे जन्म का भय है, मृत्यु का भय है, ये दो सबसे मौलिक भय हैं। और जन्म और मृत्यु के इन दोनों भय जो हैं, इनके पीछे जीवन की कितनी सुंदर यात्रा है, इसे तुम महसूस कर सकते हो। तो इन सारे बिंदुओं का ख्याल रखें।